मैं रश्मि श्रीवास्तव रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से फालूदा बनाना बताने जा रही हूँ, जो घर में रखे सामान और कम मेहनत में ही टेस्टी फालूदा मार्केट के जैसा बनकर तैयार होता है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्टी फालूदा बनाना। मैंने गैस पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध अब उबल गया है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर सेवई लिया हुआ है। अब मैं इसमें ये सेवई डाल दे रही हूँ। अब इसको लो फ्लेम पर कुक कर ले रही हूँ, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, इसमें मैं ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध डाल दे रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से अब ये मिक्स हो गया है। ये देखिए, इस तरह से अब सेवई सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये मैश हो जा रहा है। अब मैं इसमें ये कस्टर्ड वाला लिक्विड ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। इसी समय में यहाँ पर चीनी भी ऐड कर दे रही हूँ। जितना आप मीठा चाहें उतना आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको हिलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर कांच का ग्लास लिया हुआ है, इसको मैं रोज सिरप से गार्निश कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें यहाँ पर जो मैंने चिया सीड्स को फूलने के लिए रखा था, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये जो मैंने फालूदा तैयार किया था, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है, देख रहे हैं। अब मैं इसको ग्लास में सर्व कर रही हूँ। और इसके ऊपर से यहाँ पर मैंने फ्रूट कट करके रखा है, इसमें मैंने मैंगो और ग्रेप्स लिया हुआ है। आप चाहे जो भी फ्रूट आपको पसंद रहे वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रूट डाल दे रही हूँ। और इसी समय में ये जेली मैंने लिया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ।
और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है जिसमें मैंने काजू और बादाम को कट करके रखा है, ये इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। और ये फिर से मैं इसके ऊपर ये फालूदा डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये आइसक्रीम डाल दे रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ये मैंने जेली लिया हुआ है, ये इसके ऊपर मैं इस तरह से गार्निश कर दे रही हूँ। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है, ये भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए फालूदा बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और सभी में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।